आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। छठ पूजा बहुत धूमधाम से परंपरागत उल्लास के साथ शिव की नगरी सिवनी में मनाई गई। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। सिवनी में पुण्य सलिला बैन गंगा माता के लखनवाड़ा घाट पर छठ पूजा का बहुत सुंदर नज़ारा यहां आपको दिखाई दे रहा होगा। महिलाओं के द्वारा यहां छठ पूजा की जा रही है। पुण्य सलिला बैन गंगा में प्रकाश की व्यवस्था लखनवाड़ा ग्राम पंचायत के सौजन्य से कराई गई है। इसके पहले लखनवाड़ा ग्राम पंचायत के सौजन्य से पितृमोक्ष अमावस्या तक पितृपक्ष में भी यहाँ पर पूरी व्यवस्थाएं कराई गई और अब आप यहाँ देख सकते हैं छठ पूजा यहाँ पर आपको महिलाओं के द्वारा की जाती हुई दिखाई दे रही होगी। छठ पूजा को लोक आस्था का महापर्व कहा जाता है। छठ पूजा जिसे विशेष रूप से बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में बहुत जबरदस्त तरीके से मनाया जाता है। सूर्यदेव और छठी माता की आराधना का ऐसे पर्व माना जाता है। ये चार दिन चलता है। इसमें श्रद्धालु न केवल सूर्य देवता की पूजा करते हैं बल्कि अर्पणा या छठी माता की आराधना भी करते हैं। छठ महाव्रत तब तक अधूरा माना जाता है जब तक इसके संबंध में, इस तरीके की मान्यता है, इसके संबंध में आप पूरी कथा ना सुन लें या ना पढ़ें, मैं उसकी कथा को ना पढ़ें। वैसे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा धर्म प्रभाग आरंभ किया गया हो, धर्म प्रभाग में अभी छठ पूजा के संबंध में पूरी कथा आदि का प्रसारण भी किया जा चुका है। पंचांग के अनुसार एक साल में लोक आस्था का महापर्व छठ दो बार मनाया जाता है। पहला चैत्र महीने में मनाया जाता है जिसे चैती छठ कहा जाता है। इसका ये जब मनाया जाता है बहुत व्यापक पैमाने पर नहीं मनाया जाता है, और दूसरा कार्तिक महीने में मनाया जाता है। ये छठ जो कार्तिक माह में मनाया जाता है बहुत धूमधाम के साथ मनाया जाता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। पुण्य सलिला बैन गंगा सिवनी जिले से ही उद्गमित हुई हैं और सिवनी जिले के में वे परिक्रमा इस तरह करती हैं कि अगर आप किसी भी मार्ग से, सड़क मार्ग से सिवनी में प्रवेश करेंगे तो आपको माता बैन गंगा को पार करना आपकी बाध्यता ही होगी। पुण्य सलिला बैन गंगा के लखनवाड़ा तट पर आप देख सकते हैं शाम का समय दिख रहा है। सुबह और शाम दोनों समय यहाँ पर छठ पूजा लोग करते हुए नजर आते हैं। ये आस्था का महापर्व है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। एक बार फिर हम आपको बता दें, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में धर्म प्रभाग पृथक से आरंभ कराया गया है और इस धर्म प्रभाग में धार्मिक मान्यताओं, लोक उक्तियों और अन्य जानकारियों को समाहित किया गया है। अगर आप देखना चाहें तो समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के धर्म प्रभाग में सारी जानकारियां आपको मिल सकती हैं। कार्तिक मास में मनाया जाने वाला छठ कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से चार दिवसीय लोक आस्था महापर्व छठ प्रारंभ हो जाता है। सामान्य तौर पर छठ पर्व इसे कहा जाता है। इसके अलावा इसे महापर्व, बड़का पर्व, सूर्य षष्ठी, डाला छठ, डाला पूजा और क्षेत्री पूजा के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत में महिलाएं और पुरुष नए वस्त्रों को धारित करते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। पौराणिक कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत हैं उनसे जुड़ी एक कहानी है। राजा प्रियव्रत बहुत दुखी थे, उनकी कोई संतान नहीं थी। महर्षि कश्यप को अपनी समस्या उनके द्वारा बताई गई। महर्षि कश्यप ने उन्हें पुत्रेष्टि यज्ञ करने की सलाह दी और पुत्रेष्टि यज्ञ के दौरान बनाई गई खीर रानी मालिनी को खाने को दी गई। खीर खाने से रानी गर्भवती हुई और उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। दुर्भाग्य से उनका पुत्र जन्म के साथ ही मृत पैदा हुआ।
राजा प्रियव्रत शव को लेकर शमशान घाट चले गए और दुख में डूबकर प्राण त्यागने ही वाले थे, तभी भगवान ब्रह्मा जी की मानस पुत्री देवी षष्ठी प्रकट हुई और राजा से कहा, षष्ठी के मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न हुई, इसलिए मेरा नाम षष्ठी है, तुम मेरी पूजा करो, लोगों में इसका प्रचार प्रसार भी करो। देवी षष्ठी के कहने पर राजा प्रियव्रत ने कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को विधि विधान से उनका व्रत किया। देवी की कृपा से उन्हें एक जल्द ही स्वस्थ पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा ने पुत्र का को पुनः प्राप्त करने के बाद नगरवासियों को षष्ठी देवी का प्रताप बताया। तब से षष्ठी देवी की आराधना और उनके व्रत का आरंभ हुआ। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज अशोक सोनी की रिपोर्ट। यहाँ आप देख सकते हैं आरती चल रही है, महिलाएं पुरुष आरती करते हुए आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। लखनवाड़ा घाट पुण्य सलिला पैन गंगा का यहाँ आपको हम दिखा रहे हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। धर्म प्रभाग पृथक से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में आरंभ कराया गया है। कुंभ मेला 2025 में प्रयागराज में होने वाला है और इसके लिए भी समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा पृथक से तैयारियां की गई। हम कुंभ के संबंध में भी आपको पृथक से जानकारी दे रहे हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। अगर आपको ये खबरें पसंद आ रही हो तो इन्हें लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। फिलहाल इजाजत लेना चाहेंगे, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।